press the subscribe button and press bell icon for latest videos. नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जियो ने एक प्लान को बदल दिया है। एक प्लान जो एक साल वाला था, जो था आपका 2020 का, यानी कि 2020 रुपए का, अब उसने उस प्लान को चेंज कर दिया है, जो कि कर दिया है 2121, यानी कि 2121 रुपए का। दोस्तों, इतना ही नहीं, जो वैलिडिटी आपको मिलती थी पहले 365 दिन, उसको भी चेंज कर दिया है। उसकी वैलिडिटी अब कर दी है आपकी 336 दिन, यानी दोनों तरफ से जियो ने आपको लूटा है। एक तरफ तो प्लान महंगा किया, दूसरा तरफ उसकी वैलिडिटी कम कर दी, यानी कि 336 दिन कर दी है जो एक साल वाला प्लान है। अब दोस्तों, अगर इस प्लान का हम कंपेरिजन एयरटेल के प्लान से करें, तो दोस्तों अगर दोनों में फ़र्क देखें पूरे 365 दिन के हिसाब से मैं लगाऊं, तो लगभग 95 रुपये का फ़र्क आता है। जियो 95 रुपये ही सस्ता है दोस्तों। तो ये 20% होता है कि जो जियो ने वादा किया था कि हम दूसरे ऑपरेटरों से 20% यानी 20% सस्ता प्लान देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जियो ने अपना वादा तोड़ा है, अब वो प्लान महंगे करता जा रहा है। और जियो में आपको मिलती हैं एक साल के लिए सिर्फ इसमें 12,000 कॉल, जबकि एयरटेल में आपको मिलती हैं ट्रूली अनलिमिटेड कॉल किसी भी नेटवर्क पर। तो कौन सा बेटर रहेगा? मेरे ख्याल से एयरटेल बेटर रहेगा इस कंडीशन में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो दूसरों में शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।